हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रवक्ता दीपक शर्मा ने सरकार के जनमंच कार्यक्रम को एक अनूठा और तुरंत समाधान करने वाला जनहितैषी करार दिया है। दीपक शर्मा ने सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जनमंच लोकप्रिय हुआ है और जनता इसमें सक्रियता से शामिल होकर विकास से सीधा सहयोग दे रही है। उन्होंने कहा कि जहां सभी मंत्री इसमें समस्याओं का निपटारा कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी खुद इसमें शामिल होकर सरकार की जन कल्याण की वचनबद्धता को दर्शा रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि सरकार का पूर्णतः ध्यान प्रदेश के विकास की ओर है, जिसका प्रमाण सरकार का मात्र 10 महीने का कार्यकाल है, जिसमें अनेक जनहितैषी फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में सांसद अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में ऐतिहासिक कार्यों की एक लंबी विकास गाथा है, जिसके बल पर भाजपा कार्यकर्ता जनता के बीच उपलब्धियां लेकर जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सांसद अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को देश में एक मिसाल के तौर पर खड़ा किया है। सांसद मोबाइल सेवा योजना पूरे देश में एकमात्र सेवा है, जिसे दिन प्रतिदिन घर द्वार पर हजारों लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर की सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, आईटी जैसे अहम क्षेत्रों में जो सोच है, उसका प्रमाण हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाओं से मिलता है। भाजपा प्रवक्ता ने देश की जनता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भरोसा दिखा रही है और उनकी जीत का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमीर उत्सव का शुभारंभ करेंगे, जिसके लिए प्रशासन के साथ साथ संगठन भी तैयारियों में जुट गया है। उन्होंने जनता से हमीर उत्सव को धूमधाम से मनाने की अपील की। कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है जो अनुराग ठाकुर का मुकाबला कर सके, और जो कांग्रेस के टिकट के चाहवान है वो मात्र अनुराग ठाकुर के कद के बराबर भी नहीं है। निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं है कि अनुराग ठाकुर की सोच और विकास की जो ललक है, उसने इस संसदीय क्षेत्र को पूरे हिंदुस्तान में पहले नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया। हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा संसदीय क्षेत्र नहीं होगा जिसमें तीन तीन बड़े मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो। वही नहीं, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल से लेकर सर्वांगीण विकास की योजनाएं जिस ढंग से अनुराग ठाकुर जी ने बनाई हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को फक्र है कि हम जनता के बीच जब जाएंगे तो एक लंबी चौड़ी सूची जो ऐतिहासिक कामों की हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में हुई है, हम उसको लेकर जनता के बीच जाएंगे। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के पास इस वक्त कोई भी अनुराग ठाकुर का मुकाबला करने को तैयार नहीं है। जो टिकट के इच्छावान हैं, उनकी जमीनी हकीकत कितनी है वो इसी से ज्ञात हो जाता है कि हर कांग्रेस में टिकट का इच्छाधारी व्यक्ति अनुराग ठाकुर की आलोचना करके बड़ा बनना चाहता है। जो भी टिकटार्थी हैं, आप आलोचना करें, रचनात्मक करें, लेकिन जो इन विकास की ऐतिहासिक योजनाओं को भी झुठलाएं, जो अनुराग ठाकुर जब हमीरपुर तक रेल की बात करते हैं तो उनके बयान आए कि रेल की सीटी नहीं सुनाई दी। ये वो लोग हैं, अगर ये कहा जाए, ये घोषणा हो कि हमीरपुर में या हिमाचल में फला जगह पे हेलीपैड बनेगा, तो ये तीसरे दिन कहना शुरू कर देंगे कि हमने तो हेलीकॉप्टर अभी तक देखा नहीं है, अभी तक तो हवाई जहाज आया नहीं। यानी कि तर्कहीन
बयानबाजी, तर्कहीन आलोचना करके यूं नजर आता है जैसे कांग्रेस का के हर लीडर ने होड़ मची है कि अनुराग ठाकुर को की आलोचना करके बड़ा बन जाओ, अपने आप को उसके बराबर खड़ा होने की कोशिश करते हैं। मेरा स्पष्ट शब्दों में कांग्रेस के लोगों को सुझाव है, बड़ा बनने के लिए अपनी सोच बड़ी कीजिए, अपना जन दर्शन जिसे कहते हैं उसको बड़ा कीजिए। आप आलोचना कर बड़ा नहीं हो सकते। लेकिन आजकल एक रवाज हो गया है कि हर कांग्रेसी अपना कद बढ़ाने के लिए अनुराग की आलोचना में लगा हुआ है, लेकिन हमें इसकी कोई चिंता नहीं है क्योंकि जनता के बीच हम मूर्त रूप में किए गए काम लेकर जा रहे हैं। और निसंदेह हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जहां तक बात है, हम इस संसदीय क्षेत्र में अनुराग का ना कोई सानी पहले था और ना ही आगे कोई होगा। सरकार का ना ही कोई किसी तरह का इनको धन उपलब्ध करवाया गया और ना ही केंद्र या हमारी सरकार का इसमें कोई किसी तरह का हस्तक्षेप है। इसको सरकार के ऊपर कोसना एक संस्था जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छ भारत स्वस्थ बेटी ये योजना लेकर इनका अपना एक कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम के तहत ये प्रदेश में अपना काम कर रहे हैं, जिसकी हमें सराहना करनी चाहिए। उल्टा इसमें सरकार को लपेटना या कोसना ये दर्शाता है कि मात्र तथ्यहीन बयानबाजी के अतिरिक्त कांग्रेस के